अब बेसिकली जो हमारी मीडिया है ना वो टाइम के साथ इवॉल्व हो रही है जैसे कि हम देखते थे कि जो पहले की मीडिया थी जो पहले की रिप्रेजेंटेशन थी टीवीज़ के थ्रू रेडियोज़ के थ्रू वो बहुत ही कम चीज़ों को रिप्रेजेंट करती थी बहुत ही कम चीज़ों की प्रेजेंटेशन होती थी थ्रू मीडिया पर अभी जो ब्रॉडकास्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना बढ़ गया है कि हर चीज़ अब ऑन एयर होती है जैसे कि कोई हम कोई व्लॉग शूटिंग देख लेते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी चर्चा देख लेते हैं तो हर चीज ब्रॉडकास्ट हो रही होती है और यही मीडिया की ट्रांसफॉर्मेशन ने हमें एक्सेस दे दिया है ज्यादा तरह की ऑप्शंस दे दिए है हमें ताकि हम हर चीज को देख सके और हमारा एक एंटरटेनमेंट का जो पर्पज है वो भी बढ़ जाए एंटरटेनमेंट के लिए हर चीज को अब इन्होंने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया है सेकेंड पॉइंट है हमारा एंजाइटीज़ ओवर कल्चरल ट्रांजिशन यहाँ बात की जाती है कि कैसे मीडिया की इवोल्यूशन के साथ एक तरीके की डिस्कोर्सेज और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं अलग अलग कल्चर्स में क्योंकि जो भी इंसान जो भी कल्चर के लोग एक पर्टिकुलर टीवी शो या पर्टिकुलर मीडिया के आउटपुट को देखते हैं तो वो उसी का अपने हिसाब से मीनिंग निकाल लेते हैं और उसी का इफेक्ट उन पर भी आ जाता है तो ये बात की जाती है कैसे इस आ, मीडिया के शिफ्ट की वजह से कैसे इस मीडिया के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से लोगों उपर, कल्चर पर कल्चर ट्रेडिशन पर नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं और आ रहे हैं डाइवर्जेंट ऑपोजिशन टू सैटेलाइट टीवी अब ये जो हमारे हिंदूज हैं हिंदू राइट्स और सेक्यूलर वीमेंस मूवमेंट ये दोनों ही सैटेलाइट टीवी के अपोजिशन में है ये इसके विरोध में है कि इनको ऐसी चीजों को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए जो किसी के लिए भी ऑफेंडिंग हो जो हिंदू राइट है उनके हिसाब से जो सैटेलाइट टीवी है वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा प्रमोट करता है और लोगों में से उनकी ट्रेडिशनल रूट्स को गायब कर देता है कम कर देता है और अकॉर्डिंग टू सेक्युलर विमेंस मूवमेंट ये जो सैटेलाइट टीवी है सेक्सस यानी कि uh, जो विमेन है उनको एज अ एज अ लोअर जेंडर मानता है एज अ एज अ सेकंड जेंडर मानता है जो दूसरों की बातों में आए या दूसरों की बातों में हर काम करे और जो मेल है उसको डोमिनेंट जेंडर की तरह प्रेजेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू मूवमेंट नेक्स्ट इज फेमिनिस्ट एंगेजमेंट विद से हमारी कुछ चीजों पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि ऐसी चीजें की जो ना बोली जाए और जिनको प्रेजेंट ना किया जाए मीडिया के थ्रू द स्टडी चैलेंजेस ए डिस्टिंक्शन बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड स्टेट सेंसरशिप क्या चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और किन चीजों को सेंसर करना चाहिए उसमें भी एक तरीके का डिफरेंस क्रिएट कर देना चाहिए कि उन चीजों को प्रेजेंट नहीं करना है ऐसी स्पीच और सिंबल्स एंड एक्सप्रेशन को हमें ऑन सैटेलाइट टीवी प्रेजेंट नहीं करना है नेक्स्ट इज ऑब्सिनिटी कॉन्ट्रोवर्सिज एंड मोरल पैमिक्स हमारे जो सेक्युलर वस मूवमेंट है ये भी कहता है कि जो सीन्स होते हैं या जो काफी ज्यादा ऐसे सीन्स होते हैं जो एडल्ट्रेटेड uh, होते हैं उनको यहाँ पे uh, कर देना चाहिए सेंसर कर देना चाहिए और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि ऐसी चीजों को सैटेलाइट टीवी पे ब्रॉडकास्ट नहीं करना है और यही बात को एज मूवमेंट के थ्रू कन्वे किया जा रहा है कि ऑक्सिम सीन्स को क्योंकि इनसे कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं क्योंकि इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि उससे लोगों में मोरल पैनिक्स आ जाते हैं यानी कि अलग-अलग कल्चर के लोग उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट करने पर उतर आते हैं इसीलिए ऐसी चीजों पे सेंसरशिप लगा देनी चाहिए या रेगुलेशन लगा देनी चाहिए हिस्टोरिकल सेंसरशिप पैटर्न्स अब यहाँ बात की जाती है कि जो सेंसरशिप पैटर्न अभी तक चला आ रहा है वो कैसा है वो ऐसा सेंसरशिप पैटर्न है जो सीन्स को तो बैन नहीं करता पर क्लासिक आर्ट को बैन कर देता है फेमिनिस्ट वर्क्स को को बैन बैन कर कर देता है, कर देता है है फैमिली फोटोज सेक्शुअल हेल्थ की इंफॉर्मेशन को बैन कर देता है ऐसे इश्यूज को बैन कर देता है जिनको इनएक्चुअल प्रेजेंट करना चाहिए और जो असली टॉपिक्स होते हैं प्रेजेंट करने वाले और लोगों को जानकारी देने वाले वैसे टॉपिक्स को बिल्कुल ही सेंसर कर दिया जाता है खत्म कर दिया जाता है उनको प्रेजेंट नहीं होने देते तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि हिस्टोरिकल सेंसरशिप पैटर्न बहुत ही गलत बना हुआ है और इसको बदल के एक फेमिनिस्ट अप्रोच पे देनी चाहिए दिस पॉइंट इज आयरनी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ बात होती है कि इसे जो वुमेन है उनको विमेन्स मूवमेंट के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है कंटेम्प्रेरी इंडिया में पर इन द एक्चुअल सिनारी उनको बोलने का या उनको अपने वर्क को रिप्रेजेंट करने का ऑन द लार्जर स्क्रीन मौका ही नहीं दिया जाता एंड दैट इज आरोनिकल विद रियालिटी फी अब यहाँ बात की जाती है कि इस पॉर्नोग्राफी में ये दिक्कत नहीं है कि उसमें क्या एक्सप्लिसिटनेस है, क्या उसमें किया जा रहा है। रहा प्रॉब्लम है कि किस जेंडर को कैसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है और किस जेंडर पे फोकस जा रहा था फीमेल्स आर टारगेटेड इन दैट तो बात होती है हमारी बात आती है एट द एंड एट द पॉइंट ऑफ सेक्सिज्म की दो जेंडर में से एक जेंडर को ही अः बिल्कुल अकेला डिस्कोर्स का बना दिया रीजन बना दिया जाता है और उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं रादर दोनों जेंडर इक्वली इन्वॉल्व है स्टिल ओनली वन जेंडर इज टारगेटेड इन दैट इशू नाइन्थ पॉइंट इज सेंसरशिप इन इंडियन सिनेमा यहाँ बात की जाती है कि इंडियन सिनेमा में जो सेंसरशिप है वो बहुत डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू जो होना चाहिए इसमें जो एरोटिक सीन्स होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं एक ऐसी वे में कि पैराडॉक्सिकल वे होता है वो कि उनको प्रेजेंट ना करते हुए दिखाते हैं कि असलियत में क्या हो रहा होगा जबकि जो फेमिनिस्ट है वो कहती है कि ये सेक्सुअल एक्सप्रेशन को बहुत ही फ्रीली करना चाहिए ताकि किसी के मन में भी कोई पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ना आए कि क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है और असलियत में पोर्ट्रेयल कैसा होगा कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मीडिया सेंसरशिप एंड फेमिनिज्म यहाँ बात की जा रही है कैसे सेंसरशिप मीडिया फेमिनिज्म एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड कि एक चीज दूसरे को इफ़ेक्ट करती है और इन सब का जो कंट्रीब्यूशन uh, है वो इक्वल है हमारी सोसाइटी में सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग की वाचिंग कीप लर्निंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर योर लीफ